हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक और नया हॉल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये अमेज़ॉन हॉल है और आज के हॉल में क्लोथिंग आइटम भी हैं, बैग्स हैं, जो मेरा मतलब फेवरेट होता है। जब भी जिस वीडियो में मैं बैग शेयर करती हूँ ना, वो वीडियो मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग होती है क्योंकि मुझे बैग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। इसके अलावा मैंने फुटवेयर्स भी ऑर्डर किए हैं, कुछ शैम्पूज़, लोशन, परफ्यूम्स, काफ़ी मिक्स हॉल है। काफ़ी सारी मेरी रीपरचेज हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई, तो मैंने उनको दोबारा परचेज किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट पहले ये बता दूं कि ये वीडियो कोलैबोरेशन है MHS माई हॉल स्टोर के साथ में। तो उनके लिंक हैं सारे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ख़रीदारी करते हैं अभी अमेज़ॉन से, तो आपको मिल सकता है 70% तक का डिस्काउंट टॉप ब्रांड्स पे, क्योंकि अभी चल रहे हैं अमेज़ॉन मेगा फैशन डेज, तो उन पे आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सबसे फेवरेट बॉडी लोशन, वैसे तो अब मुझे कई सारे बॉडी लोशन पसंद आने लगे हैं क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और कई ऐसे लोशंस हैं जो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, वो भी मैंने अपनी प्रीवियस हॉल वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो मैं ना चेंज कर करके मंगाती हूँ। जैसे पिछले 2 महीने से मैंने निविया ऑर्डर नहीं किया था, इस बार मैंने फिर से अपना ये फेवरेट वाला निविया ऑर्डर कर दिया है। और एक और चीज़ है, मैं हमेशा न्यू चीज़ें ट्राई करना पसंद करती हूँ, तो एक तो मैं अपना फेवरेट मंगाती हूँ, उसके साथ में कुछ एक नया भी मंगाती हूँ। तो ये लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का मैंने एक शैम्पू यूज़ किया हुआ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो फर्स्ट था शैम्पू इस ब्रांड का जो मैंने यूज़ किया हो, तो इस बार मैंने इनका ये बॉडी लोशन मंगवाया है ट्राई करने के लिए कि ये कैसा है। ये पैराबेन फ्री, वीगन है, प्लांट बेस्ड है। उसके बाद एक और मेरी रीपरचेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसका बड़ा वाला जो पैक है वो लेने की फ़िराक में थी, बट वो अवेलेबल ही नहीं था। यही सेम साइज़ मैं ऑलरेडी इसका यूज़ कर रही हूँ, जो आधे से ज़्यादा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद आया है। समर्स में अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज़ करना अच्छा ही लगता है, और ये एक परफेक्ट वनीला फ्रेग्रेंस है। अगर आप भी परफ्यूम में कुछ वनीला जैसा पसंद करते हैं तो ये एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है, और बहुत रिजनेबल है। अगेन एक रीपरचेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिद्धार्थ के लिए मैं मंगाती हूँ। ये सेबा मैट का शैम्पू है और काफ़ी टाइम से वो इसको यूज़ कर रहा है, कई सालों से इनफैक्ट। उसकी हेयर टाइप को ना ये बहुत सूट किया है, तो ये तो मैंने मंगाया ही है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ना बहुत लंबे टाइम तक ना यूज़ नहीं करना चाहिए, कि एक ही प्रोडक्ट आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हो, उसको चेंज करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना और देखना कि और प्रोडक्ट कैसे रह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत काफ़ी रिसर्च वगैरह करके देख सुन के एक और उसके लिए शैम्पू ऑर्डर किया है, और इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे। और ये भी स्पेशली किड्स के लिए है, और ये है टिकिटोरो किड्स का, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर 4 to 10 year old। सिद्धार्थ 12 साल का हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको मंगाया है। कंडीशनिंग शैम्पू मोरिंगा रिच प्रोटीन, तो मैंने सोचा वो वाला शैम्पू तो मैं ट्राई कर ही रही हूँ, एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा रहता है, थोड़ा एक चेंज भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने 4 क्लोथिंग आइटम मंगाए हैं इस मंथ। तो एक तो मैंने ये एक ओवर साइज शर्ट मंगाई थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ओवर साइज आ गई है। ब्रांड टू ब्रांड ना साइज़ डिफर करता है, किसी ब्रांड का आपको मीडियम आ जाता है तो दूसरे ब्रांड का आपको लार्ज आता है, तो किसी ब्रांड का आपको स्मॉल भी आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है मेरे साथ। ये वाला मुझे सजेशन में आ रहा था मेरे कि लार्ज आपको फिट आएगा, मैंने लार्ज मंगाया। वैसे तो ये ओवर साइज़ है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवरली साइज्ड आ गया है मेरे हिसाब से। ये मुझे अगर मैं मीडियम में मंगाती तो अच्छा आता। काफ़ी समरी, एकदम कूल, ओवर साइज़, एकदम ढीली ढाली कॉटन के कपड़े की टी शर्ट है ये, जो कि एकदम बेसिक सी टी शर्ट है, बट काफ़ी स्टाइलिश और अच्छी लगने वाली है। मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मैं शायद इसको रिटर्न करके इसे एक साइज़ छोटा मंगवाऊँ। उसके बाद ये वाला एक ड्रेस है, ओनली ब्रांड से है ये, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारा डिसेंट टाइप का ये ड्रेस मुझे लगा समर्स के हिसाब से। कलर भी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी अलग अलग कलर हैं और ब्लैक बेस है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब जैसा मैंने कहा, इसमें भी मेरा साइज़ का इशू हो गया, जैसे हर मेरी ड्रेस और कुर्ता ना मीडियम साइज़ में मुझे फिट आता है, तो मैंने भी इसको मीडियम में ऑर्डर कर
दिया, इवन सजेशन भी मुझे मीडियम की आ रही थी, लेकिन ये मुझे लार्ज आएगा क्योंकि ये मुझे वेस्ट लाइन पे बहुत टाइट आ रहा है। डिज़ाइन वाइज ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये घुटनों से नीचे ड्रेस जाती है, बैक साइड पे हल्का सा ये स्लिट आपको मिलता है, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका अगर ये परफेक्ट साइज़ में मुझे मिल जाए तो। इंडोएरा का ये वाला कुर्ता ना बहुत टाइम से मेरे कार्ट में रखा हुआ था, इस बार मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया। बहुत ही प्यारा इसका कलर है और इसके ऊपर जो कढ़ाई है ना वो बहुत ही सुंदर है। ये रियॉन मटेरियल में है, ए लाइन कुर्ता है, बहुत ही प्यारा एकदम फेस्टिव वाइब है इसके अंदर, और ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये गले की कढ़ाई देखें, बहुत ही सुंदर, एकदम साफ, नीट एंड क्लीन, एकदम प्रीमियम टाइप की यहाँ पर आपको कढ़ाई मिलती है। स्लीव्स पे देखिए, दोनों साइड इस तरीके से थोड़ा सा ये डोरी का वर्क है, दोनों साइड में इस तरीके से ना आपको ये डोरी मिलती है। उसके बाद नीचे इस तरीके से पूरा ये ए लाइन कुर्ता है। वेबसाइट पे जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे लगा कि इसके साथ प्लाजो नहीं है, अभी भी मैं आपको बता रही थी ये कुर्ता कुर्ता है बस, लेकिन इसमें प्लाजो है। तो ये वैसे तो प्लाजो रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये मेरे लिए सोने पर सुहागे वाली बात है, यहाँ पर ये प्लाजो है। और इंडो एरा के तो सारे कुर्ते मुझे पसंद आते हैं। आसन देखिए कितना चौड़ा है, तो इसको पहन के अगर आप बैठते उठते हैं ना तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और आजकल मेरा वाइट बेस वाले बिल्कुल हल्के कलर से कुछ प्रिंट वाले एकदम लाइट समर बेसिक वाले सूट पे ध्यान मेरा ज़्यादा जा रहा है, तो मेरा ध्यान ऐसे गया इस वाले सूट पे जो कि वाइट बेस में है और इसके ऊपर ये मरून एंड ग्रीन कलर का ये काम हो रखा है। बहुत ही सिंपल प्लेन सा कुर्ता है ये, जिसे आप अपने ऑफिस में पहन के जा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपके स्कूल एंड कॉलेज में इस टाइप के कुर्ते चलते हैं तो वहाँ आप पहन सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सा और बहुत प्यारा कुर्ता है, बहुत डेफिनेटली सुंदर लगने वाला है। इसमें आपको वी नेक मिलता है और बाजू इसमें मिलती हैं आपको 3/4। इसमें आपको ये मिलता है प्लाजो एंड दुपट्टा जो है वो बिल्कुल जैसा आपका सूट है ना वैसा ही वाइट जमीन पे इस तरीके से मरून एंड ग्रीन कलर का सारा काम किया हुआ है। उसके बाद ना वैसे तो मैंने दो नए फुटवेयर ऑर्डर किए हैं, लेकिन डिलीवरी मेरे पास अभी एक की आई है और एक जो है वो आई थिंक मेरे पास 5-6 दिन बाद आने वाला है। इतने दिनों में मैंने ये गौर किया कि इस टाइप के जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो सैंडल्स, इस जो ऐसे थ्रेड वाले पतले पतले से एकदम आपके पैरों को ऐसे हग कर लेते हैं टाइट से, वैसे वाले जो सैंडल्स या कुछ भी कोई भी फुटवेयर है वो मेरे पैरों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, खिलता है। तो इसीलिए मैंने ये ब्राउन वाला ऑर्डर किया है और इसका आगे से जो जैसे पॉइंटेड होता है ना सर्कल में वो ना होकर के आगे से थोड़ा ऐसे फ्लैट टाइप का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसे फ्लैट्स हैं जो मैं पहन रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है, पैरों में अच्छे भी लगते हैं, तो मैंने एक ही ऑर्डर किया है। और दूसरा जो फुटवेयर है ये गर्मियों में ना इस टाइप के सैंडल्स होने चाहिए जो एकदम हल्के हों, लाइट हों, ज़्यादा भारी ना लगे। तो ये वाले बहुत ही स्टाइलिश भी हैं, सिंपल भी हैं और बहुत सुंदर है। इसमें ये जो चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है बहुत सॉफ्ट है। ये जो है इसका बेस सोल जो है काफ़ी स्पंजी एंड फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो। और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा सा थोड़ा मैचिंग में पर्स चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एक ये बैग मंगवाया है जो कि ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है और बहुत सुंदर है। तो ये है बेज कलर का बहुत ही प्यारा सा बैग जिसे आप एज अ हैंड बैग ऐसे यूज़ कर सकते हो। छोटू सा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अमेज़ॉन से मैंने जितने भी आज तक बैग ऑर्डर किए हैं उनकी क्वालिटी एकदम बढ़िया होती है, तो बैग्स के मामले में ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है। तो एक ये बैग इस कलर में मैं ढूँढ रही थी और एक वाइट में ढूँढ रही थी। वाइट की खोज तो अभी मेरी कंटिन्यू है, मुझे मतलब अपने हिसाब से जैसा मुझे चाहिए वैसे में वाइट बैग अभी तक नहीं मिला, बट ये कलर भी बहुत प्यारा है और ये सैंडल्स के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। इसे आप स्लिंग भी बना सकते हो और इसकी यूटिलिटी भी काफ़ी कमाल की है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग ज़िप मिलती हैं और एक यहाँ पे पीछे ये ज़िप मिलती है जिसमें आप कैश एंड मोबाइल रख सकते हो। काफ़ी डीप है, मोबाइल भी आ जाएगा और कैश तो आप रख ही सकते हैं। उसके बाद ये दो ज़िप जैसे ही आप खोलते हैं आपको यहाँ पे ये स्ट्रैप मिल जाती है जिससे आप इसको स्लिंग बैग बना सकते हो। और अंदर का जो मटेरियल है कपड़ा वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। इसमें भी आपको एक देखिए इधर कंपार्टमेंट मिलता है
पहले तो आपको दो कंपार्टमेंट मिल ही रहे हैं, इसके अंदर भी एक अलग से कंपार्टमेंट है और इसके अंदर इधर चेन है, जिप वाला कंपार्टमेंट है। यूटिलिटी बहुत अच्छी है इसकी और क्वालिटी बहुत अच्छी है, चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा पर्स है ये, मुझे बहुत पसंद आया, वेरी नाइस बैग। तो यही थी सारी चीज़ें, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है और आप परचेज करना चाहते हैं, सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर अपनी फेवरेट चीज़ आप परचेज कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।